काफी सारे रिलायबल सोर्सेज और डॉक्यूमेंट से रीड करने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि एनआरसी और सीएए को हिंदी में समझा सकूं, ताकि हम ये बातचीत कर सके हमारे पेरेंट्स के साथ और उनके कई सारे दोस्तों के साथ। मेरे कई सारे दोस्तों ने बड़ौदा से भी मुझसे कई सवाल पूछे हैं जब आर वडोदरा पे एक डॉक्यूमेंट शेयर किया गया जिसमें बहुत ज्यादा मिस गाइडेंस और मिस इन्फॉर्मेशन है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन सभी के सवालों का जवाब दे सकूं। तो पहले समझते हैं कि सीएए क्या है। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है, लेकिन ये रेफ्यूजीज होने चाहिए सिर्फ तीन देश से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। रैंडमली तीन देशों को चूज करने के बाद अब उनके धर्म भी चूज किए गए, हिंदू, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी। अगर आप ये पांच रेफ्यूजी हैं तो आपको सिटीजनशिप मिलेगा, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। हियर इट मेक्स इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट एक्सक्लूड्स तमिल्स, मुस्लिम्स, श्रीलंका के तमिल और मुस्लिम को तो हमने हटा दिया, रोहिंग्या म्यांमार के चले गए, चाइना से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो टिबेटन्स आए हुए हैं, जो शिया, अहमदिया, आदिवासी, एथीस्ट, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन सभी जगह से आए हुए हैं, उन सभी को हमने एक्सक्लूड कर दिया वेरी कन्वीनियंटली। किस ग्राउंड पे? धर्म के ग्राउंड पे। सबसे पहली आवाज यहां उठानी है। दूसरा समझते हैं एनआरसी को, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्या हमें इस वक्त ये प्रूव करने की जरूरत है कि हम यहाँ के सिटीजन हैं? कागजात के बेसिस पर, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको बताना होगा कि आप यहाँ के सिटीजन हो। अब मुझे बताइए कितने लोगों के पास ये कागजात होते हैं? लैंडलेस लोगों के पास कागजात होते हैं। आपके घर पे जो गरीब लोग जो काम करने आते हैं, आपकी जो दीदी आती है, कुक आती है, मालिक काका आते हैं, क्या उनके पास ये कागजात है? ट्रांसजेंडर लोगों के पास ये कागजात है जिनको पैदा होते ही डिसओन किया जाता है, किसके पास ये कागजात है? औरतों के पास ये कागजात है? जो पार्टीशन से आए हुए लोग हैं, क्या उनके पास ये कागजात है? जो डिजास्टर से पीड़ित लोग हैं, क्या उनके पास ये कागजात है? कहां से आएंगे इतने सारे लोगों के पास कागजात? ठीक है, लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों के पास नहीं भी होंगे तो कुछ टाइम के लिए आप इलीगल कहलाएंगे। क्यों? कुछ समय के लिए मैं इलीगल क्यों कहलाऊं जब मैं यहीं पर पली बली हूं, मैं यहीं पर रही हुई हूं? इसमें भी अगर आप मुसलमान हैं और आप इलीगल कहलाएं तो एनआरसी में सीएए जुड़ जाता है। इलीगल मुस्लिम्स नॉट अलाउड इन द कंट्री। ये एक तरकीब है सारे मुसलमानों को कंट्री से बाहर निकालने की। मेरे पापा के एक दोस्त हैं जिन्होंने उनको कहा कि एनआरसी से पता चलेगा कि कौन इलीगली रह रहा है, कौन आतंक फैला रहा है, कौन घुसनखोरी कर रहा है। आपका कहना यह है कि जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो आतंक फैला रहे हैं, कि पर्टिकुलर रिलीजन आतंक फैला रहा है? क्या आप लोगों को गोधरा रायट्स याद नहीं है? और आगे बढ़ते हैं। आसाम में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया गया है और इट हैज प्रूव्ड टू बी अ फेलियर। 19 लाख इंडिजिनियस लोग ही प्रूव नहीं कर पाए कि हम यहाँ के सिटीजन हैं, और अब हम सिटीजनशिप दे रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को, तो अपने ही स्टेट में जो आसाम के इंडिजिनियस लोग हैं वो माइनॉरिटी बन के रह गए क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाए। अब उनके लिए डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं जहां पे वो रहेंगे और वो कोर्ट्स में जाके अपील करेंगे। इसमें 52,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लगाए गए, 1,220 करोड़ रुपीस खर्चा किया गया 3 करोड़ पॉपुलेशन के लिए, और उसमें से भी जो इंडिजिनस लोग हैं वो तो लिस्ट में उनका नाम इंक्लूड ही नहीं हुआ। अब आप सोच लीजिए, जब एक स्टेट में ये हुआ है, यहाँ पूरे भारत की बात हो रही है, 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज, और अभी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हम देख रहे हैं उसको दिमाग में रखते हुए आप सोच लीजिए कि ये कितना फिजिबल ऑप्शन है, ये कैसे काम करेगा। हिस्ट्री में इसे कंपेयर किया जा रहा है काफी सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट से। कैसे? मैं आपको वो बताती हूँ। जर्मनी में 1935 से लक्समबर्ग लॉज पास किए गए थे, और वो लॉज भी कुछ इस तरह थे कि हम बताएंगे कि यहाँ के रहने वाले कौन हैं, और बाद में आपको हिस्ट्री मालूम है होलोकॉस्ट की। रोहिंग्या मुस्लिम्स जो यहाँ पर आए वो कब आए? बर्मा सिटीजनशिप लॉ 1982 में ये लॉ पास किया गया, उसके बाद ये एक्सोडस शुरू हुआ, उसके बाद वो रेफ्यूजीज बन के हम सब जगहों पर जा रहे हैं। आपको सिमिलैरिटी दिख रही है कि क्या क्या हो सकता है? कुछ मिथ्स को तोड़ते हैं। पहला मिथ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मैंने आपको बता दिया हमारा आर्टिकल 14 इक्वालिटी वो उसको तोड़ रहा है। आप कैसे कह सकते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? इट वोंट अफेक्ट इंडियन मुस्लिम्स। आर वडोदरा पेज पे जो शेयर हुआ था उसमें लिखा गया है बहुत ही कन्वीनियंटली। कैसे? आप मुझे समझाइए कैसे? अगर आप इंडियन मुस्लिम हैं, एनआरसी में आप प्रूव नहीं कर पाए तो आप सीधा सीएए के अंदर छत्रछाया में आ जाएंगे, आप इलीगल मुस्लिम हैं, आप देश के बाहर होंगे। नंबर 3 मिथ,
कि मुसलमान बच्चे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी में कोटा मिलता तो है। अभी रिजर्वेशन की बातें हो रही हैं, कोटा की बातें हो रही है, इन सब चीजों को लेके आप ये इनजस्टिस को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और ये सिर्फ मुस्लिम बच्चे प्रोटेस्ट कर नहीं कर रहे हैं, देश भर की सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे अभी सड़कों पर हैं, सभी बच्चे इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नंबर फोर, हिंदुस्तान पार्टीशन के सामने तुमने अपना दूसरा देश चूज किया था ना, तो जाओ उस देश में। हम आज ये कैसे कह सकते हैं जब हमारे संविधान में हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया ने चूज किया टू बी अ सेक्युलर कंट्री, हमने चूज नहीं किया कि हम किसी धर्म के लोगों को यहां पर रखेंगे, तो आज हम ये कैसे बोल सकते हैं, कैसे? आई होप ये सब सुनने के बाद यू चूज वाइजली, यू थिंक वाइजली एंड यू स्टैंड विद द पीपल। आप भले ही किसी भी कंफर्ट जोन में, शायद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे या शायद नहीं होंगे, अभी वो लिस्ट भी बाहर नहीं आया है कि क्या क्या हो सकता है, और आर वडोदरा पेज पे उसे कहा गया है कॉमन प्रोसेस, दिस इज लाइक डीमोनिटाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप, कतारों में लगेंगे पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके। इतने सारे लोग सड़कों पे जब आवाज उठा रहे हैं, प्लीज चूज वाइसली।